बरेली में ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने आरपीएफ पुलिस के द्वारा शोषण उत्पीड़न और जंक्शन पर अवैध वसूली को लेकर जिलाध्यक्ष कृष्णपाल के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। अध्यक्ष कृष्णपाल ने आरोप लगाया है कि ऑटो चालक सवारी छोड़ने जंक्शन पर जाते हैं, वहां पर मौजूद कथित पार्किंग के ठेकेदार के द्वारा सड़क पर अवैध वसूली की जाती है। ये वसूली पार्किंग के नाम पर की जाती है। जब पार्किंग रेलवे ग्राउंड में है तो वसूली का विरोध करने पर चाबी छीन ली जाती है या मारपीट की जाती है तथा आरपीएफ पुलिस द्वारा जबरन ऑटो रिक्शा को बंद कर दिया जाता है और रुपए लेकर छोड़ देते हैं। रेलवे पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। पुलिस व ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की भी मांग की गई। मैं ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे आज आए हैं? आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जो बरेली रेलवे जंक्शन है वहाँ पर जो सिविल का एरिया है वहाँ पर आरपीएफ जो है वो ऑटो में बैठ जाते हैं और बैठ के कहते हैं मुझे थाने तक छोड़ दो। थाने तक पहुँचने के बाद जो है चाबी छीन लेते हैं और ड्राइवर को अंदर बंद कर देते हैं। ये 10 तारीख को 9 ड्राइवरों के साथ में इस तरह से गाड़ियाँ बंद की गई हैं और वहाँ पर बाहर जो भी सवारी उतारने जाता है तो ठेकेदार का जो पार्किंग का ठेका है वहाँ से बाहर जो है उसके 7-8 गुंडे घूमते हैं, वो जबरदस्ती वसूली करते हैं, जो पैसे नहीं देता उसके साथ मारपीट करते हैं, चाबी छीन लेते हैं। 30 रुपए रोज के वसूलते हैं वो। हाँ रसीद देते हैं भाई, पार्किंग की रसीद देते हैं, लेकिन वसूली पार्किंग के बाहर होती है रोड पे, यानी पार्किंग में है अगर पार्किंग कोई जाए या ना जाए लेकिन बाहर ही जैसे ही। कौन करा रहे हैं इसको? ये आरपीएफ प्रशासन और पुलिस प्रशासन और ये ठेकेदार दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जब हमने इस पर बात की थी तब उन्होंने ये कहा कि आप हमें तहरीर देना हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार हम कह चुके हैं उनसे और उठा के उनको बंद कर रहे हैं कि जो है यहाँ रोड जो है आरपीएफ का है और उन्हें दिखाया गया धारा 159 के तहत जो है रेलवे परिसर से, जबकि वो रेलवे परिसर नहीं था, वो सड़क पर से उठा के ले गए उन लोगों के लिए। आज किससे शिकायत कर रहे हो? तो आज हम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं मिले तो हमने वहाँ जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में जाके वहाँ जो है उनके पीए महोदय को ज्ञापन सौंप दिया, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग बैठक में इसी विषय में हमने जो है अपनी बात बता दी उन्हें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।